हिमाचल प्रदेश भाजपा पार्टी ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और उनके साथ मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उनका जीवन इतिहास हमारे राजनीतिक दल का आधार है। उन्होंने कहा कि हमने जनसंघ के रूप में शुरुआत की और आज भाजपा के रूप में हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि 6 जुलाई 1901 को महान देशभक्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक और महान शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। अपने जीवन की कुर्बानी देख करके उन्होंने जनसंघ की स्थापना के बाद एक संघर्ष किया और उसमें विशेष तौर से जो उनका एक योगदान आज भी स्मरण किया जाता, आने वाली जनरेशन भी उसको स्मरण करेगी कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत के साथ होने के बावजूद भी धारा 370 की वहां पर व्यवस्था रखी, परमिट सिस्टम होता था, उस परमिट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लोकसभा में अपनी बात कही और जनसंघ के अध्यक्ष के नाते उन्होंने घोषणा की कि मैं आंदोलन करूंगा और मैं पहला व्यक्ति हूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर बिना परमिट के प्रवेश करूंगा। और वो उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए लखनपुर पहुंचे, पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां पर और जेल की सलाखों के पीछे रखा और न जाने आज भी कारण मालूम नहीं है उनकी मृत्यु का और उनकी दुखद मृत्यु, उनका बलिदान उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए, परमिट सिस्टम को खत्म करने के लिए हुआ। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि उनके चले हुए मार्गदर्शन पर आज जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आज हमारे लिए उससे बढ़कर के और बात है कि आज हमारे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और जिस सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार किया, धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने बात कही थी और आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया और समाप्त करने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर भारत का जिस रूप में बाकी राज्य हिस्सा है उस प्रकार से हिस्सा बना हुआ है। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि महान विचारक, महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत ही कम समय में भारत को औद्योगिक नीति से मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नेहरू के विचारों से अलग होकर उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान से काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा ने उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए वर्षों तक कार्य किया है। भारत में आजादी के बाद राष्ट्रीय विचारधारा की राजनीतिक पार्टी का गठन हो और भारत का पुनर्निर्माण और भारत की पुनर्रचना, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता तथा अपनी राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार हो, ऐसे हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय ठाकुर जयराम जी विराजमान हैं। कश्मीर आज भारत का अंग है, इसका पहला बलिदान और सबसे अधिक जो है वो जिनका जो है वो जिनको ये श्रेय जाता है कि जम्मू कश्मीर इस भारत माता का जो है वो मुकुट है और वो मुकुट इस भारत माता के सिर पर जो है वो सजा रहे, इसका श्रेय जो है वो डॉक्टर मुखर्जी को जाता है।